मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी, विपिन कुमार जैन, डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA, अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA, विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार, राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन, श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई, गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात, श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश, दिवंगत मातोश्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84 मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती शांति देवी पाटनी पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर, श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तजयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पारयायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गृहस्थ को चाहिए त्रस हिंसा का तो पूरा त्याग करे। अच्छा, स्थावर हिंसा का त्याग कैसे करे? उसके लिए आचार्य ने एक श्लोक लिखा और उसमें ये लिखा कि जो आवश्यक है उन्हें कर ले, अनावश्यक स्थावर हिंसा भी ना करे। स्तोकै केन्द्रीय घातात् गृहिणां संपन्न योग्य विषयाणां शेषस्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम्। स्तोक माने अल्प और एक इंद्रिय जीवों के घात से गृहिणां गृहस्थों के जो संपन्न योग्य विषय वाले हैं अर्थात न्यायपूर्वक योग्य विषयों के सेवन करने वाले गृहस्थियों के, क्या संपूर्ण एक इंद्रिय का त्याग हो जाएगा? नहीं होगा। क्या लिखा? अल्प एक इंद्रिय जीवों के घात से बचना संभव नहीं, तब क्या करें? शेष स्थावर मारण विरमणम, अर्थात शेष माने बाकी के, मतलब अल्प एक इंद्रिय जीवों के घात को छोड़ दो। अब बाकी जो स्थावर जीवों का मारण माने घात है उसका विरमण मपि, उसका त्याग भी करणीयम, करने योग्य होता है। हमने माना गृहस्थी में हो तो योग विषयों का सेवन करने में स्थावर जीवों की हिंसा होगी, त्रस का तो आपने त्याग कर दिया। अब स्थावर जीवों की हिंसा जो है योग्य विषयों के सेवन में होगी, लेकिन उसके अलावा
अन्य का तो त्याग करो, अर्थात प्रयोजनीय हिंसा चलेगी, अप्रयोजनीय हिंसा को नहीं करना है, ये समझा रहे। गृहस्थ के द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा कहाँ कहाँ होती है? सभी जगह होती है, कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। स्नान करने में होती है, गर्मी लगे तो पंखा चलाने में होती है, सर्दी लगे तो हीटर चलाने में होती है, सभी जगह होती है। पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन में एक इंद्रिय जीवों की हिंसा सब जगह है, लेकिन इतना तो करे ना जो आवश्यक घात है वो तो हो जाए, अनावश्यक तो ना करे। अब स्नान करना है तो स्नान थोड़े पानी से क्यों ना कर ले। हमने देखा एक विद्वान अच्छे, उनके स्नान आदि की पद्धति हमें बहुत अच्छी लगी। हमने क्या देखा, वो एक थोड़ा बड़ा उनके पास एक लोहे का चौकटा बनवा रखा था, उसमें वो स्नान करते थे। स्नान करने के लिए उन्होंने पहले दिन पानी को उबाल के रख लिया। अब उसके दो लोटे तीन लोटे में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जो पानी उनके उसमें आ गया उसी में उन्होंने कपड़े भी धो लिए और उसके बाद सारे उस स्नान घर को साफ भी करके ख़त्म कर दिया। अब देखो थोड़े पानी में काम हो गया कि नहीं, हो गया। आवश्यक है आप पंखा चलाएं, नहीं चलाएं तो अच्छा है, अगर चलाएं तो ठीक, चला हुआ तो नहीं छोड़ें। हीटर है मान लो या कोई गैस का काम है, आवश्यक रूप से प्रयोग करें, अनावश्यक प्रयोग ना करें। सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, घास में क्यों करें? इस त्रस जीवों का भी घात होगा और स्थावर जीवों का तो बहुत घात होगा, तो ऐसा कार्य ना करें। हाँ, जो आवश्यक है वो करें, अनावश्यक छोड़ दें। इसके लिए ये श्लोक आचार्य ने लिखा है। पंडित जी, और एक इंद्र जीवों की हिंसा कैसे कम हो सकती है? अपने आने जाने की प्रवृत्ति कम करें, अपने परिग्रह को सीमित कर ले। परिग्रह ज़्यादा परिग्रह की कामना में बार बार आना जाना इस तरह के कार्यों को ना करें। कोशिश करें चित्त में समता परिणाम या तृष्णा कम से कम हो जाए। जितनी तृष्णा कम होगी उतनी बहिरंग क्रियाएं सारी कम होंगी, आना जाना सारे काम कम होने से एक इंद्रिय जीवों की हिंसा कम होगी। ऐसे कार्य ना करें जिसमें पृथ्वी आदि के खोदने का कार्य करना पड़े। कपड़े भी धोए मान लो तो उसके पानी को ऐसी जगह पर डाल दे जहाँ जीव हिंसा ना हो। हर जगह हिंसा का पूरा ध्यान रखे और स्थावर जीवों की हिंसा पंचेंद्रियों के विषय सेवन में कम से कम करे, इसका ध्यान रखे। हरी वनस्पति के खाने में भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। जैसे मैं एक या दो हरी लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। अष्टमी चतुर्दशी को मैं हरी का त्याग करता हूँ। जबलपुर में हमने देखा दस लक्षणी के दस दिन में कोई हरी खरीदता ही नहीं। आवश्यक है लेकिन दस दिन का त्याग तो कर ही सकते हैं। इस तरह एकेंद्रीय जीवों के घात से भी हम बच सकते हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि जो महान अहिंसा धर्म है इसको हमें बड़े भाग्य से प्राप्ति हुई है, लेकिन वर्तमान में और सब लोग तो विपरीत धर्म के मानने वाले हैं। अब उनके और विचित्र विचित्र कार्यों को देख के ऐसा ना हो जो अहिंसा धर्म को मानने वाले आकुलित हो जाएं। इसलिए उनको मजबूत करने के लिए आचार्य ने एक श्लोक लिखा, देखें। अमृतत्व हेतु भूतम परम महिंसा रसायनम लब्धा अवलोक्य बालिसाना मसमंज समाकुलैर्ण भवितव्यम। संसार में जितने जीव हैं उनमें अहिंसा धर्म की मान्यता रखने वाले 1% भी नहीं, 99% तो इस अहिंसा धर्म से दूर ही है। जो जीव है धर्म को पालन करने वाला, कहीं ऐसा ना हो वो जो इन और लोगों के वैभव को देख के धर्म से विचलित तो हो जाए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अमृतत्व
माने मोक्ष पद के हेतु माने कारणभूत, ये अहिंसा धर्म जो है ना ये मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाला है। मोक्ष पद के कारणभूत परम अहिंसा रूपी रसायन माने अमृत को प्राप्त करके ये धर्म जो मिला है अमृत है, इससे बढ़िया धर्म और है ही नहीं, बेमिसाल है। इसको पा करके अवलोक के देख कर बालिशानाम माने अज्ञानी जीवों के अन्य धर्मों वालों के असमंजसम अर्थात विचित्र वातावरण को देखकर आकुलित नहीं होना चाहिए। अक्सर सारी दुनिया तो रात्रि भोजन करती है, सारी दुनिया तो मांस भक्षण करती है, सारी दुनिया ऐसे खाती पीती ऐसे व्यापार करती है, हमें क्यों मने किया जाता है? देखो तो वो कितने तरक्की कर रहे हैं, हम लोग तो पिछड़े पड़े हुए हैं। ऐसे जो विचार हैं उनको देख करके आकुलित नहीं होना चाहिए। पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म श्रेष्ठ है तो भारत में उच्च पद पर कोई जैनियों का व्यक्ति क्यों नहीं दिखाई देता, सभी जगह अन्य मत वाले क्यों दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो अपना इस बात का श्रद्धान बिल्कुल मजबूत बना लो कि जो जैन धर्म हमें बड़े भाग्य से मिला है ये जैन धर्म बात में वास्तव में सर्वोत्कृष्ट है। ये जैन धर्म ही ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त कराने में समर्थ है। हमारे यहाँ जो हर चीज़ की व्याख्या है वो व्याख्या वास्तविक है, सर्वज्ञ के वचन है, एक सर्वोत्कृष्ट है। पहले तो इस बात का हम श्रद्धान बना लें। आगम को पढ़ के हम ये भी बात जान लें कि वर्तमान में जितने लोगों के पास जो वैभव आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये पापानुबंधी पुण्य का फल है। आज उच्च पद पर आसीन जितने भी लोग हैं जरा विचारो तो धार्मिक दृष्टि में उनका सुबह से शाम तक के टाइम में शुभोपयोग कितना और अशुभोपयोग कितना है। क्या वो दिन भर शुभोपयोग करते हैं? क्या नहीं करते, दिन भर क्या करते हैं, अशुभोपयोग में ही लगे रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? अगली पर्याय अधोगति वाली मिलेगी। आज हम सोचें बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोले बैठे हैं, हमने माना जैनी उनमें नहीं आते, लेकिन जो खोले बैठे हैं वो कितना पाप कमा रहे हैं। सोचें तो अधिक पैसे का उपयोग क्या है, उन्होंने कमाया बहुत, हजारों लाखों आदमी उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पाप कितना है, जीवन में उस वित्त का उपयोग कितना है, क्या वो हमारे लिए आवश्यक है? क्या ज्ञानी या समझदार या धर्मात्मा को इन चक्करों में पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये लोग जो पढ़ रहे हैं ये तो महातृष्णा के वशीभूत होकर पढ़े हुए हैं। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी इन चक्करों में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसको तो ये देखना है कि मैं कम से कम पैसों में कम से कम परिग्रह में अपना काम चला लूं, मैं क्या करूं, बस हिंसा कम से कम करूं, मेरी वृत्ति ऐसी हो। अगर विश्व में बड़े से बड़े लोगों की ओर दृष्टि डालेंगे तो इन पापानुबंधी पुण्य का फल भोगने वाले जीवों से हम धर्म की व्यवस्था को कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। इसलिए अगर सामने वाले व्यक्तियों के जो अन्य मत वाले हैं उनका उत्थान दिखे तो ज्ञानी कभी व्याकुलित नहीं होता, वो तो ये सोचता है मुझे अपने इस मनुष्य पर्याय में मुझे क्या करना है, मोक्ष मार्ग पकड़ना है, नरक त्रिंच का मार्ग नहीं पकड़ना, इसलिए मैं अन्य कार्यों में क्यों उलझूं। मोक्ष मार्ग में तो छोड़ने की बात होती है, पकड़ने की बात नहीं, इसलिए मुझे अपना सारा जीवन त्याग में अहिंसा में धर्म में लगाना है। इन लोगों को देख के मुझे कभी भी आकुलित नहीं होना। और यही आचार्य कह रहे हैं वास्तविकता का परिज्ञान तो करो, अच्छा कौन है। शास्त्रों में एक बात पढ़ने को बहुत अच्छी मिली,
सम्यक दृष्टि जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा अगला जब भी जन्म होना तो मध्यम दर्जे के सामान्य जैन गृहस्थ के यहाँ हो, पैसे वाला नहीं, नहीं मुझे राज नहीं चाहिए, सेठ नहीं बनना, नहीं बनना, क्यों नहीं बनना, ये तो सब पाप के कारण है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है, जितने भी सेठ और राजा होते हैं यदि वो अपने जीवन के अंत में संयम धारण न करें तो अधोगति के पात्र होते हैं। आज जितने ये ऊपर दिखाई देने वाले हैं, सुबह से शाम तक अशुभोपयोग में लगे रहने वाले उच्च गति के पात्र कैसे हो सकते हैं? मुझे ये रास्ता नहीं पकड़ना, मुझे तो बड़े भाग्य से ये जैन धर्म मिला है, मैं तो इस पर्याय को सफल बनाऊंगा और जैन धर्म में धर्म पालन करने में अपना सारा जीवन गुजारूंगा। इसलिए वो अन्य मत वालों के सांसारिक उत्थान को देख के कभी भी आकुलित नहीं होता, यही आचार्य समझा रहे हैं, आकुलित होना नहीं, अगर आकुलित होता है तो उसे वास्तविकता का परिचय नहीं। पंडित जी मुनि पद धारण कर लिया और जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुनियों के बारे में टिप्पणियाँ तो सुनते ही होंगे, तो मन में विचार तो होता ही होगा। ज्ञानी जीव ने परिग्रह को पाप की जड़ मानकर छोड़ा है, वो ये भी जानता है कि अगर पर्याय सफल करनी है और मोक्ष प्राप्त करना है बिना निर्ग्रंथ मुद्रा के नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं निकले और कहीं जाए और अन्य मत वाले लोग उनकी नग्न अवस्था को देख के अगर हंसी मजाक भी उड़ाए ना तो रंच मात्र भी आकुलित नहीं होता, क्योंकि उसे वास्तविकता का परिचय है, वो जानता है इन जीवों को मोक्ष मार्ग मालूम ही नहीं। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग ये है, इन जीवों को तो ये भी नहीं मालूम कि जितने भी धर्म हिंदुस्तान में हैं उन धर्मों के जो सबसे उच्च कोटि के जो साधु हुए हैं वे सभी साधु भी निर्ग्रंथ मुद्रा वाले ही हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम, इसलिए वो क्या करते हैं, जब निर्ग्रंथ मुनि निकलते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, लेकिन उनको देख के वो निर्ग्रंथ मुनि वाले निर्ग्रंथ मुद्रा वाले मुनि महाराज कभी भी आकुलित नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग का परिचय है, उन्हें वास्तविकता का परिचय है। अगर कोई उनसे चर्चा करता है तो वो अच्छी प्रकार उन्हें समझाते हैं कि दिगंबरत्व हमने क्यों स्वीकार किया है। एक परिचय है नग्नत्व परिचय, वो परिचय ये बताती है कि नग्न हो गए अब कभी अपने घर के आगे से ही निकलना पड़े तो रंच मात्र भी चित्त में लज्जा या शर्म नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, मैंने तो सबसे उच्च पद स्वीकार किया है। अगर इस पद की गरिमा नहीं जानने वाले अगर कोई हंसते भी हैं मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाओ, उससे मुझे लेना देना नहीं, मैंने तो सोच समझ के पद स्वीकार किया है और वास्तव में इससे ऊंचा और बड़ा कोई पद है ही नहीं, इसलिए इस मैं रंच मात्र भी आकुलित क्यों हूँ। आचार्य का यही कहना है, अन्य मत वालों की तो टिप्पणियाँ आपको अलग अलग प्रकार की मिलेंगी। जिनेन्द्रवर्णी जी ने शांत पद प्रदर्शन में एक बहुत अच्छा प्रकरण लिखा, उन्होंने लिखा एक मार्ग है और उस पर 1000 आदमी जा रहे हैं, जब आदमी आगे बढ़ते हैं आगे से मार्ग दो तरफ चलने लगता है, फट जाता है दो हिस्सों में, एक जगह लिखा है संसार मार्ग, एक जगह लिखा है मोक्ष मार्ग। 1000 में से 999 लोग संसार मार्ग वाले रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और एक जो समझदार ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति तो होते ही बिरले हैं, संसार में हैं कितने, जो एक समझदार व्यक्ति है वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, उन्होंने लिखा जब वो एक अकेला उस मार्ग की ओर बढ़ता है तो 999 उससे कहते हैं क्यों कहाँ जा रहे हो, वो मार्ग बेकार है, इधर आओ लौट के, ये मार्ग जिस पे सारी दुनिया चल रही है इस पे चलो। वो कहता है नहीं नहीं वो संसार मार्ग है, मुझे वो नहीं पकड़ना। तो वो कहते हैं 999 लोग क्या हम अज्ञानी हैं,
क्या ये सारा बहुमत जो जा रहा है इसे समझ नहीं है? तुम अपने को बहुत बड़ा समझते हो, बड़ा ज्ञानी मानते हो, लेकिन इन सब बातों को सुन के जो ज्ञानी है वो अकेला है और अकेला ही अपने मार्ग पर आगे चलता जाता है और बढ़ता जाता है। पंचेंद्रियों के विषय उसे बहुत मिले हैं, एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, फिर भी आसक्ति पूर्वक सेवन नहीं करता। लोग कहते हैं, तुम कैसे हो, पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्ति हुई, ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लिया, इनको भोगो ना। वो सोचता है, नहीं, इनका भोगना तो पाप है। मोक्ष मार्ग के कारणभूत मुझे अमृत धर्म प्राप्त हुआ है। लोग कुछ भी कहें, कैसे ही कहें, मुझे उनकी बात नहीं सुननी। मुझे तो जो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान का दिव्य उपदेश है, उसके अनुसार अपना जीवन गुजारना है। हम और आपको भी जीवन में 20 टिप्पणियाँ सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं, जैनी तो कायर होते हैं, पर नहीं, जैनी कायर नहीं होते। हम जानते हैं हम कायर नहीं। चरा से जीव की हिंसा से कितने डरते हैं, ये जीव हिंसा से डरने की बात नहीं, ये तो जीव हिंसा के जीवों के ऊपर दया करने का प्रसंग है। हम डर नहीं रहे, हम तो दया कर रहे हैं। इसलिए अन्य मत वालों की बात सुन के आकुलित नहीं होता। अब देखो आज जरा अच्छी तरह से, आज से अगर हम थोड़ी पिछली बात करें तो भगवान महावीर के ज़माने में 99% लोग जैनी थे। उसके बाद आगे बढ़े तो 8वीं शताब्दी में आए तो घट के 12 करोड़ रह गए, और आगे आए 12वीं शताब्दी में 8 करोड़ ही रह गए, और 16वीं शताब्दी में 4 करोड़ रह गए, आज तो 1 करोड़ ही है। कारण, अन्य संगति मिलती गई, धर्म का पढ़ना और सुनना और समझाने वालों की कमी हो गई, हम लोग जिनके साथ मिले फिसल गए। अज्ञानी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। वो तो कहते हैं, न मालूम कितने पुण्य उदय से ये धर्म मुझे मिला है, मुझे अपना धर्म, अब मुझे अपना सारा जीवन इस धर्म के लिए समर्पित करना है। आचार्य यही कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, बड़े भाग्य से इस अमृत रूप धर्म को पाके मोक्ष मार्ग में लगे रहना। लोग कुछ भी कहें, कैसी टिप्पणी करें, हिलना नहीं, सोचना, अमृत मिला है इसका ही पान करूंगा, अन्य का पान क्यों करूं? ऐसा करेंगे तब तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा अनंत काल से भ्रमण हो रहा है, आगे और भ्रमण करेंगे। आचार्य ने कितना अच्छा श्लोक लिखा है, अन्य मिथ्या दृष्टियों की बात सुन के, उनकी विपरीत टिप्पणियाँ सुन के हिलना नहीं, मजबूत बने रहना और अहिंसा धर्म के पालन में जीवन भर लगे रहना। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन USA, अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन USA, विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार, राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन, श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 वालचंद टेरेसस, तारा देव रोड, मुंबई, गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम,
श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातो श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84 मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।